साग का मुख्य आधार है। कैचिंग पावर, बाबा कल कह रहे थे सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। सदैव यह दृढ़ संकल्प रहे कि मैं ही तो था, तो हर एक ऐसे अनुभव करेंगे, वह हर एक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है जब 5000 वर्ष की बात को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। अभी जो कुछ कमी रह गई है वह भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बन कर जाएंगे, तो देखना कभी कोई कमी ना रह जाए। भट्टी से ऐसा परिवर्तन करके जाना है जैसे अभी अभी सतयुगी आत्माएं जब प्रवेश होती है तो उनको इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता। ऐसे आप लोगों को कमजोरियों और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए। इसके लिए विशेष इस ग्रुप को दो बातें याद रखनी है, दो बातें दो शब्दों में ही है, एक गेस्ट हाउस, दूसरा एक गेस्ट हाउस दूसरा रेस्ट हाउस दूसरा और गेट आउट। दूसरा गेट आउट अर्थात बाहर निकालना है और आगे के लिए अंदर आने नहीं देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को सदैव गेस्ट हाउस समझो, फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे। सहज पुरुषार्थी है ना, इस ग्रुप को कमाल कर दिखानी है, इसलिए सदैव लक्ष्य रखना कि अब फिर 21 जन के लिए रेस्ट करना है, लेकिन अभी एक सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मना सर्विस से रेस्ट नहीं, तभी बेस्ट बनेंगे। समझा? दुनिया को गेस्ट हाउस समझना, माया को गेट आउट करना, रेस्ट 21 जन्म करना, अभी रेस्ट नहीं करना तो बेस्ट बनेंगे, और वेस्ट नहीं करना क्योंकि यह है हार्ड वर्कर ग्रुप। हार्ड वर्कर ग्रुप में रेस्ट नहीं, कभी रेस्ट नहीं करता और वेस्ट नहीं करता। इसलिए इस हार्ड वर्कर ग्रुप या रूहानी सेवाधारी संगठन को सेवा के सिवा और कुछ सूझे ही नहीं। सेवा के लिए सर्विसेबल बच्चे क्या करते रहते हैं? माता जी, जय माता, क्या करते रहते? दौड़ा दौड़ी की दौड़ी दौड़ी, कुछ सूझे ही नहीं। यह है नाम का काम। यह भी याद रखना, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना, तब बाप दादा से ऑफरिंग मिलेगी। हार्ड वर्कर्स व रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव यह स्लोगन याद रखना है। टॉपिक चेंज है यहाँ। सामना, समाना और सामना करना हमारा निशाना है। यह है इस ग्रुप का स्लोगन। सामना माया से करना है, न कि दैवी परिवार से। समाना क्या है? एक है समाना, एक है सामना करना। सामना करना है माया से, और समाना है अपने पुराने संस्कारों को समाना है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तब ही सर्विसेबल बनेंगे। अच्छा, तिलक समारोह देख राज तिलक समारोह याद आता है। यह भी अभी यह तिलक समारोह स्थिति में रहने के लिए, फिर मिलेगा राज तिलक। यह तिलक है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का तिलक। इतनी पावर है। रूहानी सेवाधारी ग्रुप के लिए यह खास शिक्षा दे रहे। अपने को जितना अधिकारी समझते हैं उतना ही सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना फिर अधिकार लेना। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएंगे? जो कुछ किया वो बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों बातों को साथ साथ रखना है। मुरली है 9
दिसंबर 1970 की। तो बाबा कह रहे हैं, पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर, अपने अनादि संस्कारों को कैच करना है। दैवी संस्कारों को हमारी स्मृति उतनी स्पष्ट और श्रेष्ठ हो, और जब ये हो जाएगा तो बाबा यहाँ कह रहे हैं इसके लिए विशेष इस ग्रुप को दो बातें याद रखनी है। दो बातें कौन सी है? एक तो इस दुनिया को क्या समझना, गेस्ट हाउस, और माया को गेट आउट। फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे। सहज पुरुषार्थी है ना, तो इस ग्रुप को कमाल कर दिखानी है। इसलिए सदैव लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्मों के लिए रेस्ट नहीं करना है, लेकिन एक सेकंड में भी मनसा वाचा कर्म ना। सर्विस से रेस्ट नहीं, तभी बेस्ट बनेंगे। इस दुनिया को क्या समझेंगे? गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस में जो रहते हैं, कौन रहने आता है वहां पर? मेहमान, गेस्ट। स्वयं को दुनिया में मेहमान समझना, गेस्ट समझना, और दुनिया को क्या समझना? गेस्ट हाउस समझना। जो गेस्ट गेस्ट हाउस में ठहरने आता है, उसका क्या चिंतन होता है? वो किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखेगा, वो थोड़े समय के लिए वहां रुकता है और अपना काम करेगा और जाएगा। किस बात में? नहीं, गेस्ट का बताओ। जो गेस्ट होता है, हम अगर कहीं रुकने गए किसी घर में, 2 दिन के लिए रुकना है, फिर वहां से कहीं और जाना है, तो हमारे मन में किस तरह के विचार आएंगे? रूपम भाई, जो गेस्ट है उसके मन में कौन से विचार आते हैं? टेम्पररी है। फटाफट अपना जिस कार्य के लिए आया है उसी पर ध्यान होगा, और इधर उधर बुद्धि नहीं जाएगी। स्पष्ट स्मृति होती है कि मैं गेस्ट हूँ, ये गेस्ट हाउस है, मैं यहाँ एक विशिष्ट कार्य के लिए आया हूँ, और वो करके ही मुझे तुरंत जाना है। और जाने की डेट फिक्स होती है उसकी, आने की डेट फिक्स और जाने की डेट फिक्स। टाइम मैनेजमेंट वो ध्यान रखेगा, इतने से इतने तक ये करना है, ये से ये करना है, यहाँ से यहाँ करना है, और उसको ये भी पता है ट्रेन इतने बजे है, तो उस दिन उसका प्रोग्राम थोड़े 1-2 घंटे पहले कम रहेंगे, क्योंकि उसे तैयारी भी करनी है जाने की और निकलना है। और उसी समय में वो जो 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए वहां रुका हुआ है, उसे सबको खुश करके भी जाना है वहां पर, या फिर किसी को दुख देकर नहीं जाना है, दुखदायी स्मृति या मेमोरीज लेकर नहीं जानी है। तो बाबा की भाषा में बेस्ट करना है और वेस्ट नहीं करना है वहां पर। किसी के भी पर्सनल मैटर में, अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ थोड़े समय के लिए हूँ, ये जो हो रहा है वो नहीं, तो मैं यहाँ इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, वो चाहे तो उसको ठीक करने का प्रयत्न जरूर करेगा, अपनी यादगार बना कर जाएगा। क्या करेगा? एंजॉय करेगा अपना स्टे। अपना जो स्टे है उसको एंजॉय करेगा। मेरेपन का भाव उसका कहीं नहीं होगा। हिसाब किताब, अगर उसका वहां हिसाब, जरूर कोई ना कोई हिसाब किताब है, इसलिए तो पहुंचा, तो हिसाब किताब भी उसका कैसा होगा? वो हिसाब किताब चुप तो करेगा, पर वो हिसाब किताब हमें डिस्टर्ब ना करे, हम अपनी आनंदमय स्थिति में रहे और हिसाब किताब हंसते गाते चुप तो करते जाए। और लक्ष्य के ऊपर फोकस रहेगा उसका, उसका समेटा हुआ सामान रहेगा, कोई भी चीज वो और उसमें बढ़ाएगा नहीं, जितना है उतना ही। संग्रह वृत्ति जो है ना, बहुत सारा वहां जमा नहीं करेगा। शॉपिंग तो करेगा, पर इतनी नहीं करेगा कि
थोड़ी कर लेगा, पर इतनी नहीं करेगा कि जाते समय बहुत मुश्किल हो जाए। जो प्लान करेगा उसकी उसकी तुरंत एक्शन करेगा। और गेस्ट कुछ दे के भी जाता है, गेस्ट कुछ अच्छी चीजें देकर जाता है, बेस्ट बनाकर जाता है, अच्छी चीजें देकर जाएगा। अगर किसी को खुश करना है तो खुश कर जाएगा, किसी का दुख दूर कर जाएगा, अच्छी बात सीख कर भी जाएगा। अच्छा, होली शैडो जैसा होगा, पीछे पीछे बैठे, जहां से गुजरेगा वहां से हरियाली, जहां पतझड़ है वहां हरियाली हो जाएगी, जो बीमार है वो ठीक कर हो जाएंगे, उसकी छाया जहां जहां पड़ेगी ठीक ठीक होते जाएगा। ठीक है ना आशीष भाई, क्या कहा? वो दूसरा दूसरा टॉपिक है। हाँ, तो सबको सम्मान देगा। हाँ, तो यहाँ जो दो शब्द बाबा ने कहा है, सामना करना और सम्मानना, सत्कार और अधिकार। सत्कार को अधिकार से जोड़ा है, सामना और सम्मानना। सामना वो अगर उसे कुछ सहन करना पड़ा, वहां गया बिजली नहीं है, मच्छर बहुत है, लोग परेशान कर रहे हैं, सब कुछ परिस्थितियों का सामना करेगा, व्यक्तियों को समाएगा, वो एडजस्टिंग नेचर होगा, फ्लेक्सिबल नेचर होगा, क्योंकि उसे पता है कि वो हमारे हाथ में है। दुखी होना है, चॉइस इज योर्स, दुखी होना है या सुखी होना है। 2 दिन रुकना है यहाँ पर, एक तो दुखी भी हो सकते हैं, यहाँ ये नहीं है, वहां वो नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, वहां वैसा नहीं है, यहाँ ये भी ठीक नहीं है, वहां भी वो भी ठीक नहीं है। एक है कंप्लेंट करना हर चीज की, जो उसका मालिक होगा गेस्ट हाउस का, बार बार उसके पास पहुंच जाना, यहाँ पानी नहीं है, या बिजली ठीक नहीं है, या खटिया ये ठीक नहीं है, या मच्छर बहुत ज्यादा है, ये बाजू वाला व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, बहुत खर्राटे मार रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। एक तो ये, दूसरा और एक महत्वपूर्ण चीज है, उसका जो कमरा है उसके बाजू में एक दूसरा कमरा है, वहां कोई और रहता है जो कहीं ना इन्वॉल्व नहीं होगा वहां की मैटर, तो दूसरे के कमरे में क्या चल रहा है, पड़ोसी, उसे क्या लेना देना है? नहीं, मदद तो ठीक है। याद है आपको एक व्यक्ति होता है, इधर सुनाया था ना एक बार, कि पेइंग गेस्ट, एक ही कमरा होता है, एक या दो कमरे होते हैं, तो एक व्यक्ति आता है वहां पर गेस्ट हाउस में, कहता है मुझे कमरा चाहिए। तो कहता है कि वो जो मालिक होता है, कहता है मैं कमरा तो बिल्कुल दे नहीं सकता हूँ, यहाँ मेरे पास 2-3 ही कमरे हैं, पर जो भी वहां रुकता है परेशान होके चला जाता है, क्योंकि एक आदमी जो है ना बहुत समय से रुका हुआ है वहां पे एक कमरे में, वो बिल्कुल किसी को वहां टिकने नहीं देता है। तो उसका कमरा नीचे है और एक कमरा जहां वो रहता है, और ऊपर सारे खाली कमरे हैं, जो भी आदमी ऊपर आता है वो उसको भगा देता है वहां से, क्योंकि उसको बिल्कुल आवाज पसंद नहीं है। तो कहता है मेरा तो सारे दिन भर अपना कार्य है, मैं केवल 2-3 घंटे के लिए सोने के लिए आऊंगा, बस 2-3 घंटे सोऊंगा और चला जाऊंगा, तो मेरा तो कोई संबंध ही नहीं उससे, वो तो जब मैं आऊंगा तब सोया रहेगा और जब मैं निकल जाऊंगा तब भी वो सोया रहेगा, मेरा तो बस 2-3 घंटे रुकना है, बस दो तीन दिन का कार्य है। तो कहता है ठीक है देख लो। तो वो कमरा ले लेता है, तो वो व्यक्ति आता है रात में, तो आता है तो बहुत थका हुआ रहता है, तो जूता उतार के नीचे रखता है तो थोड़ी आवाज होती है, फिर उसको एकदम ध्यान में आता है कि नीचे वो व्यक्ति है, मुझे आवाज नहीं करनी है। तो दूसरा जूता एकदम धीरे से निकालता है और एकदम आराम से रख देता है और सो जाता है। तो नीचे वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने सुन लिया था एक जूते की आवाज, और वो इंतजार करता है कि दूसरा जूता अभी तक रखा नहीं गया, क्या हुआ, 15 मिनट रुका कि अभी तक दूसरा जूता के क्या हुआ, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रुकता है, और फिर तो अब रह नहीं सकता है, फिर जाता है उसके ठक 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 ठक, तो बोलता है वो दूसरे जूते का क्या हुआ, किसने जूता निकाला या किसने नहीं निकाला, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, दूसरे कमरे में लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में लोग क्या कर रहे हैं,
इस डिपार्टमेंट से ये भाई उस डिपार्टमेंट में क्यों गया, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना देखो कौन कितना समय यहाँ रुक रहा है, वो देखने वाले बैठे हैं, तुम्हें क्या करना है जिसको जितना दिन रुकना है वो ठहराने वाले देखेंगे, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है तुम अपने देखो डिपार्टमेंट, तुम अपने काम से काम रखो। तो गेस्ट अर्थात उसे बाहर की डिपार्टमेंट, बाहर का कमरा, दूसरा कमरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वहां क्या हो रहा है, एक तो ये। दूसरी जो सबसे पहले पॉइंट कही थी, उसको कोई अटैचमेंट नहीं होगी, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर वो अटैचमेंट करता है किसी से, अटैचमेंट उत्पन्न हो जाती है, सपोज एक कुमार या कुमारी आ गई और उसको दूसरा कुमार या कुमारी से प्यार हो गया वहां पर, अब उसको तो अपने घर जाना है, इसको अपने घर जाना है, तो फिर क्या होगा, बाद में दुख कितना होगा, विरह होगा, विरह की अग्नि में जलेंगे, क्योंकि जाना तो है, रुकना तो किसी को है नहीं उसमें। जैसे ट्रेन में, हम अगर ट्रेन आ रही है जोधपुर से, माबू रोड से बैठे, हमको जाना है अहमदाबाद तक, हमारी जर्नी वहीं तक है, उस बीच 6 घंटे 4 घंटे के बीच में हम किसी को अपना भाई बना ले, अपनी माँ ही बना ले, किसी को अपना साथी ही बना ले, अब उसको तो कहीं और उतरना है या कहीं और आगे जाना है और हमको तो उतरना ही है, तो कितनी दुखद घटना हो जाएगी हमारे लिए। एक था, हम गए ट्रेन में बैठे, अपने काम से जा रहे थे, अपने काम से उतरे, हो गया, कोई संकल्प नहीं। पर यदि ट्रेन में ही संबंधों की उत्पत्ति की, संबंध निर्माण किए, तो कितना दुख होगा। उसी तरह ये समूचा संसार सराय है, इन होटल गेस्ट हाउस रैन बसेरा, थोड़े देर के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ हर आत्मा भी, मैं भी गेस्ट हूं तो दूसरे भी तो गेस्ट है, केवल मैं गेस्ट नहीं हूं, वो भी गेस्ट है, सभी गेस्ट हैं यहाँ पर, सभी मेहमान हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए सब आए हैं यहाँ पर। तो हमें इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है बाद में, पहले क्या नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं, तो हमें क्या नहीं करना है। एक तो किसी से आसक्ति उत्पन्न नहीं करनी है, किसी से कोई नए संबंध अभी क्रिएट नहीं करना है। जब बाबा कह रहा है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, मुझे याद कर, तो नए संबंध, फ्रेश रिलेशनशिप्स, नए संबंध, नए बॉन्डेजेस, नए बंधन उत्पन्न नहीं करने हैं यहाँ पर। जितने बंधन है अब उसको ही संभालो, वही तो नहीं छूट रहे हैं, जो बंधन है प्रेजेंट उसी से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढो। अगर हम नए बंधन निर्माण करते हैं तो वो मूर्छा की अवस्था है, बेहोशी की ही अवस्था है। अब तक जो बंधन निर्माण किए वो तो बेहोशी में कर दिए, चलो माफ, क्योंकि तुम बेहोश थे, मूर्छा में थे, प्रमाद में थे, निद्रा में थे, तंद्रा में थे, परंतु अब जाग चुके हो, अब तुम्हारे सामने ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया है, कल की मुरली में था ना, अब तुम देखोगे कैसे ज्ञान सूर्य उदय होता है, कल की मुरली में वाक्य था एक, अब तुम देखोगे ज्ञान सूर्य कैसे उदय होता है। तो ज्ञान सूर्य उदय हो चुका है जीवन में, अब भी हम नए बंधन अगर निर्माण करते हैं तो ये बुद्धिमानी नहीं है, यह भी बेहोशी ही है। तो एक, कोई नया संबंध, कोई नया बंधन उत्पन्न नहीं करना है, जो है वही ठीक है, उसी को चुकतू करने, उसी को कम करने, उसी को मिटाना है हो सके तो, या कम कर देना, हल्का कर देना, एक कार्य यह नहीं करना है। दूसरा, समय ने क्या नहीं करना है, पहले ये बताओ, वेस्ट नहीं करना है, समय को गवाना नहीं है, समय को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ आए हैं थोड़े समय के लिए आए हैं, जितना हो सके अच्छा करके जाए, वेस्ट कुछ ना करें। हम अगर रुके हैं, पानी को वेस्ट नहीं करना है, बिजली को वेस्ट नहीं करना है, कमरे से निकल गए लाइट चालू, भले हमारा नहीं है गेस्ट हाउस,
पर फिर भी हम वेस्ट तो कर रहे हैं। तो यहाँ की कोई भी चीज को हमें वेस्ट नहीं करना है, चीज को भी नहीं, वस्तु को भी नहीं, साधन को भी नहीं, समय को भी नहीं, श्वास को भी नहीं, एक तो ये भोजन को भी नहीं। फिर और क्या नहीं करना है यहाँ पर अशोक भाई, इस गेस्ट हाउस में क्या नहीं करना है? दूसरों को दुख नहीं देना है और संकल्प को भी वेस्ट नहीं करना, श्वास संकल्प, और ज्यादा ज्यादा शॉपिंग नहीं करना, इतनी शॉपिंग नहीं कर लो कि बीच में यहाँ गेस्ट आए थे ना, तो डॉक्टर्स आए थे बहुत सारे, तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस तो ज्ञान सरोवर में थी, पर वो डॉक्टर लोगों ने कॉन्फ्रेंस हार्डली अटेंड की, एक सारा दिन शॉपिंग ही करते रहे। कॉन्फ्रेंस में एक दिन तो उदयपुर और बहुत कुछ घूम कर भी आ गए, पहले दिन खाली थोड़ा 15-20 मिनट देखा और फिर इतनी शॉपिंग की कि बड़ी बड़ी बैग भर ली, जितना हो सके राजस्थान का, जो शायद कभी मिलेगा ही नहीं फिर बाद में। और जब जा रहे थे ट्रेन से, जब पहुंचे देखा दोनों सूटकेस गायब, ट्रेन में चोरी हो गई। बहुत बड़ी बड़ी बैग खरीदी थी, तो खास हमको फोन करके आए थे उधर से, हमारे ऐसे ऐसे डॉक्टर आए, उनको ये देखना। हमने कहा डॉक्टर यहाँ थे ही नहीं, वो तो घूम ही रहे थे, उनको क्या देखे हम। तो जब उधर पहुंचे तो फोन आया कि दोनों बैग चोरी, क्या कुछ नहीं खरीदा था, राजस्थान की हर चीज जो राजस्थान में ही मिलती है वो हर चीज खरीदी थी, इसके लिए 2 बैग गायब। तो इतनी शॉपिंग भी मत कर लेना कि अगर ज्यादा किया तो चोर का भी खतरा है, बैग भी खरीदा होगा। बैग भी गई, सब गया। तो बहुत अधिक शॉपिंग नहीं करना, यहाँ संग्रह नहीं करते रहना बहुत सारी चीजों का, संग्रह वृत्ति का त्याग, जिसे जैन धर्म ने अपरिग्रह कहा है। अपरिग्रह अर्थात किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना, संग्रह, इसके लिए सन्यासी वह कहीं एक जगह ठहरता नहीं है, बस रुक चलते रहता है, चलते रहता है, कहीं रुका अर्थात ठहराव, ठहराव हुआ अर्थात बिल्ली आने के बाद फिर एक एक करके चूहा से फिर बिल्ली और बिल्ली से सब कुछ आना चालू हो जाएगा, कहाँ कब आया पता ही नहीं चलता है, इसके लिए संग्रह नहीं करेगा अपरिग्रह। और क्या नहीं करेगा गेस्ट, किसी को दुख नहीं देना और किसी को संकल्प नहीं चलाना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, इरिटेट नहीं करना, हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, दूसरों को नहीं देखना, वहां कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड भी नहीं हो, एक सेपरेट पॉइंट है कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, अच्छा ये भी नहीं होना चाहिए, उसको ज्यादा मिल रहा है हमको कम मिल रहा है, उसके कमरे में पानी गर्म हमारे कमरे में ठंडा, बाजू के कमरे में बिस्तर अच्छा हमारा अच्छा नहीं, जो मिला भाग्य अनुसार मिला है, यहाँ सब किसी को सब कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, परंतु जो जिसको मिल रहा है उसके भाग्य अनुसार मिल रहा है, ड्रामा अन्याय कर रही है, इस ड्रामा में किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है। किसी को एसी कमरा मिल रहा है चंद्रशेखर भाई, तो किसी को 15 लोगों के साथ मिल रहा है, हरेक को वही मिल रहा है, देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, हरेक को वही मिल रहा है जो अपना भाग्य लेकर आया उधर से। किसी को मिल ही नहीं रहा है, मिल वही रहा है जो उसके भाग्य में है, कोई कोई दे नहीं रहा है। जो लड़के लेगा वो कभी सुखी होकर नहीं रह सकेगा वहां पर। जो लड़कर कुछ लेता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। विकारोवश कोई विकर्म नहीं करेगा वहां पर, विकारों के अधीन होकर ऐसा कुछ नहीं करेगा कि जिसकी दुखदायी स्मृतियां हो, ऐसा कुछ नहीं करेगा कि जिसके लिए पश्चाताप करना पड़े, प्रायश्चित करना पड़े, दुख के आंसू बहाने पड़े, ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या करना है इस सराय में आकर, सबको सुख देना है, अगर कोई बीमार हो तो उसकी सेवा कर लेनी है,
अगर कोई ठीक नहीं तो उसको ठीक करना है, अगर किसी को आवश्यकता है हमारी तो उसे वो आवश्यकता पहुंचानी है, मदद पहुंचानी है, जितनों को सुख देना है दे सके देना है। और क्या करना है, इस गेस्ट हाउस में आकर इस गेस्ट हाउस को थोड़ा अच्छा अगर कर सके हम तो, बहुत खराब हो और हम उसको साफ सफाई कर दे तो कितनी अच्छी होगी। और सब कुछ सफल करना है। और नहीं, गेस्ट हाउस में क्या करना है? अच्छा हाँ, वो लोग हमारा वेट करते रहे, ये लोग कब आए वापस, फोन करके बुला लेते फोन करके बुलाए। इतना अच्छा, सबसे सबको सुख दे के जाना है ताकि उनके दिल में यादगार रह जाए कि ये व्यक्ति आया था, इसने हमें ऐसा ऐसा सुख दिया था। दो शब्द बोले थे पर उन दो शब्दों में ट्रिमेंडस हीलिंग पावर थी। जन्म जन्म की दुखी आत्मा सुख को उपलब्ध हुई थी, जन्म जन्म की घायल आघात जिसको हुआ था किसी और के शब्दों से, इन शब्दों से मलहम लग गया था। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अनेकों का कल्याण करते हुए और अनेकों को सुख देते हुए जिनके जीवन में अंधकार था वहां प्रकाश भर दिया हमने, बोल से चलन से हमारे व्यक्तित्व से हमारे आचरण से कैरेक्टर से। किसी के जीवन में स्ट्रेस था उसको स्ट्रेस फ्री कर दिया, किसी के जीवन में नकारात्मक भाव था उसमें सकारात्मकता भर दी, किसी के जीवन में उदासी थी, उदास था, दुखी था बहुत ही, उसके जीवन में नया जोश उल्लास उत्पन्न कर दिया, तो कितना याद करेंगे। तो गेस्ट हम यहाँ इस संसार में हैं, तो हमें वो सब चीजें करनी है जो बाबा हमें कह रहा है कि ये करो। आत्माओं को संदेश दो, कल के वरदान में था ना, कैसे संदेश मिलेगा? अगर तुम अतींद्रिय सुख में हो तो उन्हें संदेश मिलेगा, उन्हें आह्वान होगा, ये तुम्हारी अंतिम अवस्था है, ये तुम्हारी कर्मातीत स्टेज है, ये आवाज से परे स्टेज है, ये शांति स्वरूप तुम्हारी स्थिति है, ये तुम्हारी पावरफुल स्टेज है, ये तुम्हारा विश्व कल्याणकारी स्टेज है। केवल इस स्टेज में स्थित हो जाना ही विश्व की आत्माओं को संदेश पहुंचाना है, विश्व की आत्माओं का आह्वान कर रहा है। आवश्यकता नहीं है किसी को पकड़कर ही शब्दों के द्वारा ज्ञान दिया जाए, शब्द नहीं चाहिए आत्माओं को, शब्द बहुत पड़े हैं संसार में, शब्दों का प्रभाव केवल बुद्धि तक है, स्थिति का प्रभाव हृदय तक है। कोई 1 घंटा भी कितना ही बोले किसी में कुछ असर नहीं, केवल क्षणिक, तालियां बजेगी परंतु तीर नहीं चुभेगा, तीर चुभेगा तब जब हमारी श्रेष्ठ स्थिति होगी। श्रेष्ठ स्थिति में ही बैठकर अगर ज्ञान सुनाया सुनाया जाए तो ही असर होगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो केवल हम अपने आप को ईगो फुलफिलिंग, बस हम सोच रहे कि हमने अच्छा कार्य किया पर कोई प्रभाव नहीं, उसका प्रभाव स्थिति का ही पड़ेगा बस। इसके लिए इस संसार को गेस्ट हाउस समझना, स्वयं को गेस्ट समझना, और यहाँ की हर वस्तु अनित्य है। इस संसार में देखा जाए तो सुख है ही नहीं, सुख की प्रतीति मात्र है नहीं, है दुखी। तो हम यदि सुख के सागर की संतान है, हम यदि सुख दे सके उतना हम दे, हम शांति। किसका टर्न? अच्छा, सुशील भाई।